आज की वीडियो में जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखो सुभाष चंद्र बोस द नेशनल हीरो, हीरो मैंने इनके नाम के आगे इसलिए लगाया है कि भाई जिन्होंने 200 साल की गुलामी से आज़ादी दिलाई, जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़े और हमारे देश के लिए मरे, वही हमारे देश के रियल हीरो हैं। ये जो पैसा लेके एक्टिंग करते हैं ये हीरो नहीं है हमारे, कि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन, ये हीरो नहीं है भाई, ये सब एंटरटेनर्स हैं। रियल हीरो होते चाहिए हमारे देश के फ्रीडम फाइटर, रियल हीरो होने चाहिए जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं, जो मान लिया बॉर्डर पर लड़ते हैं। पर हमारे देश की जो मेन दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना चाहता, यहाँ कोई भगत सिंह नहीं बनना चाहता, यहाँ कोई राजगुरु, यहाँ कोई सुखदेव नहीं बनना चाहता, सब सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सारे के सारे ही बने, क्योंकि वो अपने आइकॉन उन्हीं को मानते, ये किसी के आइकॉन नहीं मानते, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनको अपना आइकॉन मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी में सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखो जो लड़ाई की हुई, आज़ादी की लड़ाई थी ना, मेन आप लोग किनको जानते हैं, आप लोग जानते हैं नेहरू को और गांधी जी को, इनको मेन मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है भाई। जितना कॉन्ट्रीब्यूशन था गांधी जी का था, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन नेहरू का था, उससे उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन सुभाष चंद्र बोस था। इनफैक्ट कही जा रहा था सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था एज़ कम्पेयर टू गांधी जी, पर नाम सिर्फ हुआ गांधी जी का। नोटों पे कौन आए, गांधी जी, हर जगह गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी हुआ, गांधी जयंती, गांधी ये, गांधी वो, पर सुभाष चंद्र बोस क्या, इनका उनके दब गए लोग। रीज़न जानेंगे, पूरी कहानी में समझाऊंगा वीडियो में स्टार्टिंग से कि क्या हुआ। देखो सबसे पहले चलते, देखो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 में कटक ओडिशा में, कटक इलाका है ओडिशा में, 1897 में सुभाष चंद्र बोस का वहाँ पे जन्म हुआ। इनके फादर एक जानकीनाथ बोस ने, जानकीनाथ बोस बैरिस्टर थे यार, बैरिस्टर ना पहले ज़माने में बैरिस्टर जो लॉयर एडवोकेट है इनको बैरिस्टर नाम से बुलाया जाता था, तो बैरिस्टर ही है इनको। मदर थी प्रभावती बोस। इनके सिबलिंग्स की बात करो, टोटल सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन, ये 14 भाई बहन थे, 8 भाई थे और 6 बहनें थी। अब ऐसे मत सोचो कि 14 सुन के ऐसे बड़ा ऐसा बड़ी बड़ी आंखें करो, इतने सारे भाई बहन, पुराने ज़माने में तो सब ऐसे ही होता था यार, 5-7 तो नॉर्मल होते थे, 13-14 ये भी थे, ठीक है। इनकी एजुकेशन हुई यूरोपियन स्कूल ऑफ कटक में, अच्छा, और फिर इनका एडमिशन हो गया प्रेसिडेंसी कॉलेज में। अच्छा, इन जब सब हो रहा था ना उस समय ना इंडिया में बहुत सारी बीमारियों का दौर चल रहा था, बहुत सारी बीमारी महामारी चल रही जिन्हें आप कहते हो एपिडेमिक, उन्हीं में से एक एपिडेमिक था कॉलरा, कॉलरा जिसे आप कहते हैं हैजा। हैजा में क्या होता है यार, कॉलरा में एक बैक्टीरिया होता है वाइब्रियो कॉलरे, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और आपकी बॉडी के सॉल्ट और पानी को खींच लेता है, सोख लेता है। उस ज़माने में बहुत लाइलाज, 2.5 लाख लोग मरे, 2.5 लाख लोग मरे, जगह जगह लाशें लाशें थी, लाशें लाशें थे। तो सुभाष चंद्र बोस का मन बहुत दुखी हो गया इस चीज़ से। इवन वो जो फैक्ट लाशें थी, लावारिस लोगों की लाशें थी, उनको खुद कब्रिस्तान ले आके या शमशान ले आके वहाँ पे जलाया करते थे, जिनका कोई नहीं होता था। तो इससे पता लगता है कि सुभाष चंद्र बोस किस करेक्टर के आदमी थे, कितने दयालु थे। अच्छा, चलते हैं इनकी मिडिल एज लाइफ में। इनका एडमिशन हो गया हमारा प्रेसिडेंसी कॉलेज में और वहाँ पे इन्हें हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल बना दिया कॉलेज का। अब यार देखो, कॉलेज का हेड ऐसे नहीं बनाया जाता, कहीं ना कहीं आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इन्होंने देखा सुभाष चंद्र बोस में लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, इन्हें हेड बना दिया और 1916 में नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए इनको एक्सपेल कर दिया। हुआ क्या, देखो एक छोटा सा किस्सा सुनाता आपको। जिस टाइम की बात है, कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, वो क्या करते थे, इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरह मारते थे, बहुत मारते थे, मारते मारते थे। तो इन्होंने एक दिन एक स्टूडेंट को इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकल लग गया। तो सुभाष चंद्र बोस प्रिंसिपल के पास गए, देखे कि भाई इन्होंने ऐसा मांगा। उन्होंने बोला कि जो है हमारा ये प्रोफेसर को माफ़ी मांगनी पड़ेगी हमारे स्टूडेंट से जिनको मारा है। तो प्रिंसिपल ने बोला छोटी सी बात है, मार दिया मार दिया, इतने बड़े इशू क्यों बना रहे। उन्होंने कहा नहीं, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर ये बात अखबार में भी आ गई। जब अखबार में आ गई तो जो प्रोफेसर था उसको माफ़ी मांगनी पड़ी, पर उसने के बाद भी वो प्रोफेसर सुधरा नहीं। उन्होंने दोबारा बच्चों को पीटा, पर इस बार ही बच्चों ने वापस उनको उल्टा पीट दिया, ठीक है। अब एक इंक्वायरी बिठाई गई, भाई सुभाष चंद्र बोस हेड थे, उनको बुलाया गया कि भाई आपने ऐसे ऐसे पीटा इन आपके बच्चों ने, आप क्या कहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, सही करा उन्होंने। तो उन्होंने सुभाष चंद्र से बोला आपको पब्लिक में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सुभाष चंद्र बोस ने बोला मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, हमने कोई गलत काम नहीं है, माफ़ी गलत काम की होती है, हमने बिल्कुल सही करा गया है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जो शुरुआत उन्होंने की थी उसे। इसी कारणवश सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाल दिया। अच्छा, जब कॉलेज से निकाल दिया, इनके फादर बैरिस्टर थे, ठीक है,
इनके फादर ने सुभाष चंद्र बोस को एडवाइस किया, देखो जो बातें हो गई हैं हो गई हैं, अब ज़्यादा बातों पर जोर मत दो, एक काम करो आप ICS की तैयारी करो। आपने कहा सर ICS क्या? ICS होता है मेरे भाई इंडियन सिविल सर्विस, उस जिसे आप ICS कहते हो ना, अभी भी तो सिविल सर्विस का वही है रुतबा यार, जिससे आप IAS बनते हो IPS बनते हो वही रुतबा तो है। और आज भी ना सिविल सर्विस का पैशन खत्म नहीं है, इनफैक्ट तो बढ़ता जा रहा है। कहाँ से शुरुआत हुई थी इंडियन सिविल सर्विस? देखो 1855 से स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, और 1856 में पहला बैच निकला था इसका, ठीक है, ज्वाइन हुआ था। और सत्येंद्र नाथ टैगोर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो एल्डर ब्रदर थे किसके, रविंद्र नाथ टैगोर के, वो पहले इंसान बने थे जिन्होंने फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई IAS ने 1863, तो ये आपसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनके फादर ने एडवाइस करा कि आप IAS की ICS की तैयारी करो, और उस समय ना ICS की तैयारी इंडिया में नहीं होती थी, ICS की तैयारी होती थी लंदन में। अच्छा, लंदन में जाना पड़ता था, वो तैयारी होती थी 4 साल में। सुभाष चंद्र बोस बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत तेज दिमाग के थे, 4 साल की तैयारी इन्होंने 7 महीने में पूरी कर ली, और इंडियन सिविल सर्विस में अंग्रेजों को पढ़ा पछाड़ते उनके छक्के छुड़ाते हुए 4th रैंक लाए। अब सोचो यार, जिस एग्जाम के बारे में, देखो अभी ये बातें मत करो कि आजकल जमाने से कंपेयर मत करो, उस जमाने पढ़ाई बहुत सॉलिड नहीं होती थी, इंडियंस को पढ़ाई होती कहाँ थी, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी रैंक लेके आए, 4th रैंक लेके आए ICS में। उस जमाने में यार इंडियन सेलेक्ट भी बहुत कम होते थे। देखो इसका रीज़न क्या था कि सबसे पहले लंदन जाना पड़ता था। अब लंदन जाने के लिए तुम्हें पैसा चाहिए खूब सारा, वहाँ रहना है 4 साल, बोर्डिंग लॉजिंग सब होता है ना, तो इतना पैसा कहाँ से लाते। दूसरी बात, कुछ हिंदूज में ना सुपरस्टिशन भी था कि यार अगर हम समुद्र पार करके जाएंगे तो हमारे देवी देवता नाराज हो जाएंगे, या धर्म का कई चीज़ें इनके दिमाग में थी, तो इसलिए भी नहीं जाते थे, बहुत कम लोग सेलेक्ट। अच्छा, जब इन्होंने 4th रैंक आया ICS में, सब बहुत खुश हो गए कि ये जो है सुभाष चंद्र बोस का 4th रैंक है, इनके फादर बहुत खुश हो गए, इनके ब्रदर बहुत खुश हो गए, पर सुभाष चंद्र बोस को लगा कि यार ये सही नहीं है, ये लोग हमारे इंडियंस को इतना तड़पा रहे हैं, हमारे इंडियंस पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, और मैं इन्हीं के साथ लग के इनके लिए काम करूं। उन्होंने 1921 में जॉब से रिज़ाइन कर दिया। देखो इंडियन सिविल सर्विस सपना होता है, और उस 1921 में तो आप ये सोचो कि बस यही सब चीज़ थी। सुभाष चंद्र बोस ने ना लात मारने में नौकरी को 1 सेकंड नहीं लगाया, और यही तो हमारे सुभाष चंद्र बोस की भाई पावर थी कि देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, पूरी लाइफ देश के लिए इस बारे में सोचा, अपने बारे में 1 सेकंड भी नहीं सोचा, 1 सेकंड में लात मार दी उस जॉब को। अच्छा, जब जॉब को लात मार दी तो भाई अखबारों में आया कि यार एक बंदा है जिसने रिज़ाइन कर दिया, इंडियन सिविल सर्विस है, तो सब लोग बड़े फेमस हो गए, इंडिया में बहुत फेमस हो गया कि भाई ये कौन बंदा है कि जो इतनी सिविल सर्विस को उसने लात मार दी एक ही झटके में और छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया, सबको पता देश के लिए काम कर, तो लोग में बहुत फेमस हो गए, लोगों में जनउत्साह हो गए, लोग इनसे मिलना चाहते थे। जब ये पानी के रास्ते वापस आए तो लोग इनसे मिलने के लिए बहुत भीड़ उमड़ पड़ी। अब इनको एक बात समझ आई, यार देखो मैंने छोटी सी ICS की जॉब पर लात मारी, उनके लिए तो छोटी थी भाई, हमारे लिए तो ये कभी आप सोचो कि सपना भी हो सकता है, उनके लिए छोटी थी। उन्होंने कहा तो इतने लोग मेरे साथ इकट्ठे हो, अगर मैं देश के लिए काम करूँगा तो मैं कितने सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर सकता हूँ देश के लिए, उनमें जज्बा जगा सकता हूँ, जेन में उनके लिए जोश जगा सकता हूँ, वो पैशन जगा सकता हूँ जिसकी ज़रूरत हमारे इंडिया को। अब चलते हैं 1928 पे। देखो गांधी जी और नेहरू जी के साथ ना क्या सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल डिफरेंस थे। यार पॉलिटिकल डिफरेंस मतलब, वैसे देखो इनको अपना आइकन मानते थे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को, पर ये तरीका नहीं था, गांधी जी को इनका तरीका पसंद नहीं था, इनको गांधी जी का तरीका पसंद नहीं था। गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी कहते यार को तुम एक थप्पड़ मारा था तो दूसरा गाल भी आगे करो, इस गाल पे भी थप्पड़ खाओ, इस पे भी थप्पड़ खाते रहो जब तक वो थक ना जाए। सुभाष चंद्र बोस कहते थे नहीं भाई, गांधी जी कहते थे अहिंसा, अहिंसा ही था ओनली जो है, वायलेंस नॉन वायलेंस पे थे प्रचारक। सुभाष चंद्र कहते बिना वायलेंस की आज़ादी नहीं मिलती। तो इनके डिफरेंस थे भाई, मतभेद थे विचारों में, गोल एक था कि दोनों ही चाहते थे हमारे देश आज़ाद हो, पर अलग अलग तरीके से। अब देखो लॉर्ड इरविन वाइसराय थे, वाइसराय देखो वो इंसान होता है जैसे मान लो ये क्या नाम है इनका, इंग्लैंड की कॉलोनी, भाई कॉलोनी होती है जब एक कंट्री कई राष्ट्रों पर राज्य करती है तो उसकी सब वो कॉलोनी कहलाती है, ठीक है। तो कॉलोनी को देखरेख के लिए इंसान रखा होता है उसे क्या कहते हैं, वाइसराय, ठीक है। लॉर्ड इरविन वाइसराय था, उन्होंने गांधी जी को कन्विंस कर लिया डोमिनियन स्टेटस के लिए। देखो गांधी जी को कन्विंस करना कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं यार, है ना। तो उन्होंने गांधी डोमिनियन स्टेटस में क्या था कि सरकार पे आधा अधिकार आपका है आधा हमारा है, और क्या है कि सरकार आप बनाओ, आप अपने इलेक्शन लड़ो, हर कुछ अपना करो, अब बस हेड हम होंगे।
अब ये बात गांधी जी को थोड़ी पसंद आ गई, गांधी जी ने समझा, कलकत्ता सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, गांधी जी ने इस प्रपोजल को अनाउंस किया कि देखो सरकार कह रही है डोमिनेंस पर, ब्रिटेन सरकार कह रही है डोमिनेंस स्टेटस के लिए हमें मान जाना चाहिए। पर बोस ने कहा भाई आज़ादी लेंगे तो पूरी लेंगे, आधी अधूरी कुछ नहीं होगा। और जिस तरह सलमान खान वांटेड में कहता है ना, एक बारी मैंने कमिटमेंट कर लिया तो अपने भी नहीं सुनता मैं, तो वही इनका हाल था बोस का। भाई किसी की सुनते नहीं थे, दमदार बनते थे, डरते नहीं थे किससे। बोस ने कहा भाई पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, या डोमिनेंट स्टेटस में क्या होगा, अगर हमारे कोई हल्ला मिलिट्री रिलेटेड डिसीजन लेना है तो हमें उनसे पूछना पड़ेगा, हमें अपना ट्रेड को बढ़ाना है उनके पूछना पड़ेगा, हमारे सरकार में चेंजेस करने उनसे। अरे अल्टीमेट तो हेड वही रहे, पावर उनके पास ही है, सब कुछ हमें उनसे पूछ के करना पड़ा, तो डोमिनेंट स्टेटस का क्या फायदा। और इन्होंने गांधी जी को बात समझाई और गांधी जी को कन्विंस कर लिया, गांधी और नेहरू को कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, यानी पूर्ण स्वराज का नारा दिया है ना, पूर्ण स्वराज का नारा दिया उन्होंने, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सुभाष चंद्र बोस ऐसे इनका नाम नहीं यार, इन्होंने ही तो नारे स्लोगन दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इसका फेमस स्लोगन है। दूसरा इनका फेमस स्लोगन है आज़ादी दी नहीं जाती, आज़ादी ली जाती है। तो ये इन्होंने बहुत नारे दिए जो देशभक्ति पैदा करी लोगों में। अच्छा देखो कन्विंस कर लिया इन्होंने गांधी और नेहरू को कंप्लीट इंडिपेंडेंस में, यार कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग थी भाई। ऐसे इंडियन सिविल सर्विस से फोर्थ रैंक लेके नहीं आए थे वो, मेरा 50 बच्चों की क्लास में 40 से ऊपर कभी रैंक बढ़ा नहीं, और इनको देखो कि ICS में चौथा रैंक था। गांधी नेहरू कन्विंस करा, लाहौर सेशन में गांधी जी ने यहाँ एक होस्टेड फ्लैग, देखो किसी बात को मान लो आपने कहा कि कंप्लीट पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया आपने, कहा पूर्ण स्वराज चाहिए, तो कुछ तो करके दिखाओगे ना कि यार गांधी जी ने फ्लैग लहरा दी वहाँ पे कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब बोस बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए। 1907 की बात थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस दो टुकड़ों में टूट गई, एक थी मॉडरेट्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स को देखो हिंदी में कहा था नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट थे गरम दल। मॉडरेट चाहते थे अहिंसा हो, नॉन वायलेंस हो, कुछ भी लड़ाई झगड़ा ना हो। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे लड़ाई झगड़ा होता है तो होने दो, या कहीं पे स्ट्राइक करनी करने दो, बॉयकॉट होता है होने दो, तो दोनों के नज़र ही अलग। मॉडरेट्स में थे हमारे WC बनर्जी, राजबिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जैसे नरम दल। और एंग्री वाले थे एक्सट्रीमिस्ट, लाल बाल पाल फेमस राय होता, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस, ये सारे के सारे किस्म आते थे गरम दल में। अच्छा इनके पास जाके ना ये जो क्या करें, इन्होंने प्रपोजल दिया। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के पास गए, कह रहे गांधी जी अब ऐसा है कि वर्ल्ड वार का शुरू होने का टाइम आ गया, अब ब्रिटेन जो है वर्ल्ड वार में फंस जा रहेगा भाई, इन्वॉल्व रहेगा वर्ल्ड वार, कोई छोटे लेवल पे होता नहीं, पूरा ध्यान उसका वर्ल्ड वार में रहेगा, हमें ब्रिटेन के ना पावर अटैक कर देना चाहिए कुछ, हमें ब्रिटेन के खिलाफ ना विद्रोह करना चाहिए ताकि उनकी पावर पहले से डिक्लाइन हो, उनकी पावर तो देखो कम हो रखी है, अगर हम अटैक कर देंगे तो देखो घायल को इंसान को मारना और आसान होता है, तो ब्रिटेन वैसे ही घायल हो रखा इस टाइम पे, उसको और चाहिए। पर गांधी जी ने क्या बोला, यार तुम्हारा शत्रु पहले से मुसीबत में है, तुम उसकी मुसीबत और बढ़ा, अहिंसावादी थे भाई, यही तो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी। अगर मुझे लगता है सुभाष चंद्र बोस और ये भगत सिंह ये सब नहीं होते ना, एक्सट्रीमिस्ट दल नहीं होता, तो भाई आज़ादी मुझे लगता है आज तक भी हम गुलामी होते, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलता ना, सिर्फ अहिंसा से हाथ जोड़ के। आप सोचो हर जगह भाई हाथ जोड़ के काम नहीं चलता, जहाँ हाथ जोड़ के काम चलता है हाथ जोड़ो, या थप्पड़ मारनी तो थप्पड़ मारना पड़ेगा, ये कहते थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, पर गांधी जी नहीं माने। अब जब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के विचार नहीं मिले किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे, तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन कराने की सोची। अब जब 1939 में प्रेसिडेंट से इलेक्शन हुए तो गांधी जी नहीं चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, इन्होंने क्या करा, साउथ से अपना एक कैंडिडेट बुलाया सीतारमैया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी बंदे थे मेंबर्स थे उनको सबको बोल दिया देखो सीतारमैया मेरा बंदा है, सीतारमैया की जीत मतलब मेरी जीत, सीतारमैया की हार मतलब मेरी हार। तो उन्हें ये था कि मैनिपुलेट करा इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों कि सीतारमैया को वोट दें और वो प्रेसिडेंट बन जाए। पर जब रिजल्ट आया तो सबके सब हैरान रह गए, बोस को 1580 लोगों ने वोट दिया, सीतारमैया को सिर्फ 1375 लोगों ने वोट दिया। मैं आपसे कह रहा था ना कि इसका मतलब क्या है, सीतारमैया की हार मतलब डायरेक्ट गांधी जी की हार, इसका मतलब बोस को लोग ज़्यादा पसंद करते थे एज़ कम्पेयर टू गांधी जी, बोस का कद बढ़ता जा रहा था, बोस का इन्फ्लुएंस जा रहा था, बोस को जो आप कह रहे थे कि एक्सट्रीमिस्ट है एक्सट्रीमिस्ट है, बोस की आइडियाज़ को सब लोग पसंद करते थे, बोस के तरीकों को कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले या पूरा यूथ पसंद करता था, बोस के साथ ही पब्लिक। ठीक है बोस जीत गए, बोस प्रेसिडेंट बन गए, पर गांधी जी ने क्या करा, प्रेशर डाला, गांधी जी बहुत नाराज़ हो गए इनसे,
कि यार ये जीत गया, उनको लगा कि सीताराम में यार मतलब मेरी हार, दुखी हो गए। तो गांधी जी ने बोस को प्रेशर बनाया कि रिज़ाइन कराए। तो बोस को तो यार कोई मतलब ही नहीं था, देखो पोस्टों से जिस बंदे ने इंडियन सिविल सर्विस पे लात मार दी, बोस कभी पोस्ट के लिए नहीं जियो। तो बोस ने वहाँ से भी रिज़ाइन कर दिया। अब जब ये बातें हो गई, बोस का नाम फैलता गया, तो बोस को ना बार बार अंग्रेजों ने ना बारह बारी जेल में डाला। और आप बताओ कि जेल में क्या उनकी खातिरदारी करेगी? आइए सुभाष चंद्र बोस जी, आइए तीन टाइम खाना खाइए, क्या खाएंगे? कबाब, मटन, बिरयानी, शाही पनीर, क्या खाएंगे? ऐसा बोलोगा? यातनाएं दी, टॉर्चर दिया, मारा पीटा, जिस भी तरह से रखा उनको। पर हमारे बोस पीछे नहीं हटे। गाना याद आ रहा है यार मुझे, दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए, यही बात बिल्कुल सही है। दिल भी दिया, जान भी दी वतन के लिए, और हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसे करके? बोस ने देखो हमें कितनी यातना है, टॉर्चर सा हम लोगों के लिए। ऐसे बोस जैसे तो बहुत ही हमारे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने मान लिया टॉर्चर सा, यातना सही, दर्द सही, हर तरह से दर्द से गुजरे, मेंटली, फिजिकली, सोशली। और हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल भाई? हिंदू मुस्लिम से लड़ रहे हैं, मुस्लिम हिंदू से लड़ रहे हैं, हिंदू सिख से, सिख हिंदू से, वो क्रिश्चियन वाले इससे, आपस में लड़ाई हो रहे हैं, आपस में इलेक्शन वो हो रहे हैं, आपस में सब कुछ हो रहा है, इंडिया इंडिया में लड़ रहे हैं, बाहर वाले तो छोड़िए, इंडिया के लोग इंडिया में आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे मिली है भाई आज़ादी, 200 साल की गुलामी के बाद आज़ादी मिली है, हमें उसकी कीमत समझनी चाहिए मेरे भाई। लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इंडिया इंडिया के लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, अभी तो हमारा इंडिया आगे चलेगा। कुछ लोग हम कोरोना से लड़ रहे हैं, कुछ लोग इंडिया इंडिया वालों से लड़ रहे हैं, ऐसे बात नहीं मेरे भाई, ठीक है। 12 बारी बोस को जेल में डाला गया, जेल से बाहर आए बोस, उनको सर्विलेंस पे रख दिया। सर्विलेंस मतलब CID करी कि ये कहाँ जा रहा है, उनके घर के बाहर बंदे भी, उन्होंने अपने बंदे बिठा दिए कि देखते रहो इसकी एक्टिविटीज़ पे, नज़र रखो, बंदा डेंजरस है, समझ चुके थे भाई अंग्रेज, काल आ गया उनको। पर बोस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बोस ने बोला यार जब तक ये यहाँ बिजी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी देख ही रहे, मैं एक काम करता हूँ, मैं ग्लोबल अलायंस बनाता हूँ। ग्लोबल मतलब भाई ग्लोब होता है पूरे विश्व में। कह रहा मैं वहाँ पर जाके ना उनसे मदद मांगता हूँ। इनके दिमाग में एक आइडिया आया, इन्होंने कहा वर्ल्ड वार टू में ना पार्टी दो हिस्सों में बटी हुई है, आधे का है एक्सिस पावर वाले, आधे एलिट पावर है। एक्सिस पावर वाले हैं जर्मनी, इटली, जापान, एलिट पावर वाले इंग्लैंड, फ्रांस, USA, पोलैंड, USA। सेम जो ये थे ना, ये जो सेम पहले वाले वर्ल्ड वार में भी ये थे कि एक साथ याले एक साथ थे, याले एक साथ थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो इंग्लैंड के कौन दुश्मन है, जर्मनी, इटली, जापान। तो उन्होंने कहा दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो इन्होंने क्या करा, एक काम करता हूँ मैं जर्मनी जापान इनसे ना मदद मांगने जाता हूँ। अब इन्होंने क्या करा, इसके लिए तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मेरे घर के बाहर तो CID लग रखी है। इनका एक दोस्त था मियाँ अकबर शाह, पेशावर से इन्होंने उसको बुला लिया कि तू कोलकाता, टेलीग्राम के उस समय फ़ोन नहीं होते थे, टेलीग्राम होता था बहुत स्पीड से आता था कि तू यार एक काम कर मेरी मदद के लिए आ, मेरे को यहाँ से बाहर निकाल। अब मियाँ अकबर शाह आए, प्लान बनाया इन्होंने, गाड़ी की पीछे वाली सीट में छुपते छुपाते नीचे लेट के ये यहाँ से निकल गए। सबसे पहले कोलकाता से गए धनबाद, धनबाद से गए काबुल, काबुल से गए मॉस्को, और फाइनली जर्मनी पहुँच गए हिटलर से मिलने। अभी हिटलर से मिलने पहुँच गए जर्मनी में। अब वहाँ जाके देखो इनके पास तो कोई अपॉइंटमेंट था नहीं, ना ही जर्मनी का हिटलर इनको जानता था। हिटलर इतना बड़ा चांसलर, सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा नाम था, पर वो इंडिया के लोग ज़्यादा जानते थे, सारे लोग इंडिया के लोग जानते थे, जर्मनी के नहीं जानते थे। हिटलर से मिलने पहुँचे, अब अपॉइंटमेंट कैसे मिला भाई, हिटलर हिटलर है, सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस है, नहीं मिला अपॉइंटमेंट। वहीं टिके रहे, वहीं अड़े रहे, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इनको हिटलर से अल्टीमेटली मिलने का मौका है। हिटलर आए इनसे मिलने, बोलो भाई मैं हिटलर हूँ, बताओ क्या काम है? इन्होंने कहा सर मुझे आपसे नहीं मिलना, मुझे हिटलर से मिलना है। वो बड़ा हैरान रह गया। फिर दूसरा बंदा आया, कह रहा बताओ भाई मैं हिटलर हूँ, क्या काम है? इन्होंने कहा सर मुझे आपसे नहीं मिलना है, हिटलर से मिलना है। 3 या 4 बंदे आए और इन्होंने सब, सुभाष चंद्र ने सबको ही मना कर दिया कि मुझे आपसे नहीं, हिटलर से मिलना है। जो असली हिटलर था वो चकरा गया, क्योंकि हिटलर ने ना 5 से 6 भैरूपी अपने बना रखे थे, सेम शक्ल वाले, सेम हाइट वाले, सेम लुक वाले। उसको डर था कि मेरे अपनी जान का खतरा था, उसको डर था लोग उसको मार देंगे, कंट्री उसको मार देंगी। तो उसने भैरूपी बना रखे, सारा काम वही करते रहे, कर देता। तो जब उन्होंने पहचान लिया तो हिटलर बड़ा चक्कर आ गया कि तुमने पहचाना। फिर एक नया बंदा आया दोबारा, कह रहा बोलो मैं हिटलर हूँ। तो उसने कहा हाँ सर मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, मैं इंडिया से आया हूँ आपसे मिलने। तो सुभाष हिटलर अब चक्कर आ गया यार, किसने अब मुझे कैसे सही पहचान लिया? तो सुभाष चंद्र ने बोला सर जो आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था ना, मैं एक गुलाम देश से आ रखा हूँ जो गुलाम है फिलहाल, और आपके मदद मांगने के लिए आया हूँ, तो आपके चेहरे पर जो एक तेज होना चाहिए था ना, वो पहले वाले केस में मिस था, इस समय था। आपके जो भी भैरू पे थे, जितने भी आपके लोकल आई थे, मेरे से पहले हाथ मिला रहे थे।
तो मुझे समझ आ गया। तो वो सुभाष चंद्र बोस के इंटेलिजेंस से इतने खुश हुए यार, पूरी पृथ्वी में कोई ऐसा नहीं था कि जो उनको पकड़ पाए, उनके बैरूपियों को सारे काम वो बैरूपियों करे। तो कह रहे इस बंदे में कितना माइंडेड होगा। अब सुभाष चंद्र बोस से इंप्रेस हो गए, इतने इंप्रेस हो गए कि उनके पास 4000 वार प्रिजनर थे जो उन्होंने ब्रिटेन से लड़ाई के बाद बंदी बना रखे थे। उन्होंने क्या उनको आज़ाद कर दिया और किसको दे दिए? सुभाष चंद्र बोस को। और यहीं से हमारी आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हो गया, आज़ाद हिंद फौज का। अब हिटलर ने कहा देखो यार, जो तुम्हारा इंडिया है वो जर्मनी से बहुत दूर है, तो हमारा इतना दूर जाके मदद करना बड़ा मुश्किल है, पर मैं एक काम करता हूँ कि जापान, क्योंकि जापान हमारी साइड है, एलीड पावर की साइड है, तो मैं एक काम करता हूँ वहाँ से तुम्हारी कुछ मदद का इंतजाम कर दूँ। ठीक है, हिटलर ने क्या करा, एक सबमरीन का रेंज में, सबमरीन होती है पनडुब्बी यार, पानी के ऊपर भी जाती है, पानी के नीचे भी जाती है, और 90 दिन लग गए इनको सुमात्रा आइलैंड पहुँचने में। सुमात्रा आइलैंड जो है अभी फिलहाल के टाइम में इंडोनेशिया में, उस समय था वो कंट्रोल जापान के कंट्रोल में। ठीक है, वहाँ से ये प्लेन में पहुँच गए टोक्यो। अब सेम वहाँ जाके क्या करा इन्होंने, जैपनीज प्राइम मिनिस्टर से बात करी। इन्होंने बोला देखो सर, आप भी बुद्ध भगवान को मानते हो, हम भी बुद्ध भगवान को मानते हैं, हम भाई भाई हैं। दूसरी बात इन्होंने बोला यार, एशिया में देखो, एशिया में देखो, एशिया के लोगों का होना चाहिए ना हक, ये बाहर के लोग क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने इनको बहुत मैनिपुलेट किया। अब ये देखो ना यार, सुभाष चंद्र बोस देखो कि नॉर्मल औसत दर्जे के आदमी, और देखो कैसे बड़े बड़े लो लीडर से, जापानीज के प्राइम मिनिस्टर, जर्मनी का चांसलर, इतना क्रूर बंदा जो जिंदा लोगों को भाई तेल में उबाल देता था, इतना था ये। वहाँ से भी डरे नहीं सुभाष चंद्र बोस। हम लोग मान लो स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल बोलती है स्टाफ रूम में आना, मुझसे मिलने, आपके पसीने छूट जाते हैं, प्रिंसिपल ने बुलाया, या आपकी बॉस है, आपका कोई बॉस है कंपनी में, आपको बोलता है मेरे रूम में, मेरे को मिलने आना एक बारी, आपको लगता है बॉस डांटेगा बॉस। और इनको देखो, बेशक बेनीडर होके, यही होता है भाई आज़ादी का जोश, यही होता है आज़ादी का जज्बा, किसी डर के आगे, कोई डर नहीं के आगे से ख़त्म नहीं करा जा सकता। ठीक है, अब जापानी सिंह प्राइम मिनिस्टर बड़े इन्फ्लुएंस हो गए। उन्होंने क्या करा, जापान की पार्लियामेंट बोल दिया कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। अब ये सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि जापान वाले जो है सिंगापुर से लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सिंगापुर का क्या हाल है, वहाँ पे 80,000 सैनिक थे और 45,000 देखो इंडियन सोल्जर्स थे, 45,000। तो उन्होंने देखो दिमाग कितना तेज था, कितना विश्लेषण था। इन्होंने कहा यार, जब आपने सिंगापुर बम वगैरह गिराओगे ना, तो एक काम करना, आपने पैम्पलेट भी गिराने हैं, हवाई जहाज से ऊपर से हेलीकॉप्टर से पैम्पलेट भी गिराने हैं। उन पैम्पलेट में क्या लिखाना चाहिए, तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों के गुलाम बनके उनके साथ लड़ते रहोगे, और 3 भाषाओं में लिखना चाहिए, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में, तमिल में, जिसको जो भाषा आती है, इनकलाब की एक ही भाषा है, आज़ादी की एक ही भाषा है, वतन की एक ही भाषा है, मेरे भाई जिस भाषा को इनको समझ में आए, तीनों भाषा में लिखवा दिया। अब जब लोगों ने पर्चे उठाए, सोल्जर्स ने कहा बात तो सही है, हर बंदा देखे जा रहा है, देखो एक फीलिंग जगाई उनके अंदर, फीलिंग जगाई। और फिर जब जापान जो है सिंगापुर को जीत लिया, तो जो 45,000 सोल्जर थे इंडिया को उसने दे दी। अब यहाँ से जाके प्रॉपर आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया, 4,000 तो पहले मिल चुके थे, 45,000 इकट्ठे हो गए, आज़ाद हिंद फौज डेवलप हो गई। राज बिहारी बोस की लीडरशिप में इन्होंने लड़ना शुरू। जापान ने क्या करा, बर्मा को जीत लिया। सुभाष चंद्र बोस ने प्लान बनाया कि बर्मा के रास्ते हम नागालैंड में एंटर करेंगे, और वहाँ पे क्या करा इन्होंने कि बहुत बुरी तरह ब्रिटिश सेना को मारते खदेड़ते हुए मणिपुर को जीत लिया। आज जब मणिपुर में जीत गए, तो वहाँ पे अपना तिरंगा झंडा भी फहराया। पहली बार ही ऐसा हुआ था कि किसी जगह पे हमारा तिरंगा झंडा इन्होंने फहराया। अब 1945 का टाइम आया, आपको पता है 1945 में क्या हुआ, हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब मारे थे, न्यूक्लियर बॉम्ब मारा तो जापान की हालत चरमरा गई। अब जापान ने कहा यार, मैं तो अपनी मदद नहीं कर पा रहा और वो क्या करूँ, तो जापान ने जो सुभाष चंद्र बोस की मदद कर रहे थे, इंडिया की मदद कर रहे थे, वो बंद कर दिया, क्योंकि इन पर खुद नहीं बचाना। बोस ने सोचा यार, अब तो कुछ मुझे करना पड़ेगा, कोई ना कोई अल्टरनेट प्लान बनाना पड़ेगा। इसने कहा एक काम करता हूँ मैं, इन्होंने कहा मैं वियतनाम जो कि जापान के वहाँ से पास पड़ता है, वहाँ से मैं मॉस्को चले जाता हूँ, वहाँ से मैं मदद मांगू नहीं। पर 1945 में खबर आई कि ताइवान एयरपोर्ट के पास सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो गया। हमारे सुभाष चंद्र बोस जीवित नहीं रहे, प्लेन क्रैश में वो मारे। अब जब सुभाष चंद्र बोस मर गए ना, तो कई सारे लोगों का मनोबल बड़ा टूट गया। भाई इतने बड़े लीडर थे, सबको उन्होंने इकट्ठा करा, पूरी की पूरी स्ट्रगल वो फ्रीडम स्ट्रगल वो चला रहे थे। आज़ाद हिंद फौज के तो मेन 3 लीडर थे, सुभाष चंद्र के बोस के खास भी थे, शाहनवाज हुसैन, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और पीके सहगल। तीनों को ना अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया अपने, बहुत टॉर्चर करा, मारा पीटा, यातनाएं दी, पर इन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि हमने गलत करा। उन्होंने कहा हमने आज़ाद हिंद फौज का साथ सही दिया, हमने सही के लड़े।
अब ये खबरें ना रेगुलर उसमें लग गई प्रिंट मीडिया में, प्रिंट मीडिया नहीं अखबार में। अब जो लोग अखबार पढ़ते हैं उनके अंदर भी आक्रोश बढ़ता जा रहा था, बढ़ता। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से और तिलमिला रखे थे। अब रॉयल नेवी में बगावत थी, जो ब्रिटिशर्स की रॉयल नेवी थी वहाँ बगावत हो गई। उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स अंग्रेजों अब हम तुम्हारा साथ ही देंगे। जब रॉयल नेवी में बगावत थी तो रॉयल एयरफोर्स में बगावत हो गई। 20,000 सोल्जर्स ने बगावत कर दी कि अब हमें तुम्हारा साथ, जितने भी हमारे इंडियन सोल्जर थे उन्होंने कहा हम तुम्हारा साथ ही देंगे। जब ऐसा हुआ रॉयल नेवी में हुई बगावत, रॉयल एयरफोर्स में बगावत हुई, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो ब्रिटिश की मेन आर्मी थी टोटल उसमें देखो 25 लाख थे, 25 लाख मेरे इंडियन सोल्जर्स थे मेरे भाई, और ब्रिटिश सोल्जर उसमें कितने थे, सिर्फ 40,000 ब्रिटिश सोल्जर थे। ये 40,000 इन 25 लाख पे कंट्रोल करते थे। अब 25 लाख में विद्रोह वाली बात आ गई, इन्होंने कहा हम भी देखो हम नहीं लड़ेंगे तुम्हारे से, हम तुम्हारे लड़ेंगे नहीं। तो इंडियन ब्रिटिशर के खिलाफ ये वैसे ही बगावत हो गई, ब्रिटिशर्स को पीटने भी लग गए, ब्रिटिश सोल्जर को इन्होंने पटक पटक के मारा, उनको पीटा, ब्रिटिशर भी घबरा गए। ब्रिटिशर ने कहा यार एक तो ये हमारा पैसा भी खा रहे हैं, हम इनको तनख्वाह भी दे रहे, ऊपर से पीट भी है मेरे। तो ब्रिटिशर ने क्या करा, कई इंडियन सोल्जर्स को नौकरी से हटा दिए। अब जब नौकरी से हटाया तो और इंडियन सोल्जर तिलमिला गए, उन्होंने इनको और पीटा। अब ब्रिटिश सोल्जर के दिमाग में आई यार एक काम कर सकते हम कि हम लोग ना या तो मदद बुलाएं अपने इंग्लैंड से, सोल्जर्स को बुलाएं। और पर उन्होंने कहा यार फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो बहुत थक चुके थे, उनका बहुत पैसा लग गया था, बहुत पैसे से टूट गए थे और बहुत टायर्ड हो गए थे। तो उन्होंने कहा वो तो पॉसिबल है नहीं, अब इन्होंने कहा इनसे लड़ना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इनकी जो है देखो ना यार 25 लाख एक तरफ, 40,000 के लड़ेंगे। तो क्लीमेंट एटली ने कहा कि एक फाइनली इन्होंने डिसाइड करा कि यार अब इंडियंस को अगर जीवित रहना ना हमें अपनी जान बचाने तो उनको आज़ादी देनी पड़ेगी। और इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे आज़ादी के उन पे हस्ताक्षर करा। क्लीमेंट एटली 1945 से 1951 के बीच में पीएम रहे, ठीक है। अब कई सालों बाद जब क्लीमेंट एटली आए ना तो लोगों ने, मतलब इंडिया आया आज़ादी के बाद जब इंडिया हो गया ऐसे ही आए थे घूमने के लिए, तो लोगों ने पूछा यार जी क्लीमेंट एटली जी आप बताइए आपने वर्ल्ड वार सेकेंड जीता, आपने वर्ल्ड वार फर्स्ट जीता, तो इंडियन से आप क्यों लड़ गए हार गए। उन्होंने कहा यार इंडियन से ना हम घबरा गए थे, एक तो इंडिया बुरा विद्रोह था, ऊपर से हम दूसरा घबरा गए थे आज़ाद हिंद फौज से। तो उन्होंने बोला, दूसरा सवाल करा कि एक बात बताइए जो मॉडरेट्स थे, गांधी जी थे, नेहरू थे, नौरोजी थे, इनसे आपको क्या फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा उनसे तो मैं कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, असली इम्पैक्ट तो था किसका, आज़ाद हिंद फौज का, यानी सुभाष चंद्र बोस ने जो पूरा मायाजाल बनाते थे फंसा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा, पर्सन टू पर्सन जोड़ा, हर बंदे के अंदर पैट्रियोटिज्म की, देशभक्ति की भावना जगाई। देखो यही तो था, जब 25 लाख इकट्ठे एकदम थोड़े, 25 लाख तो पहले भी इकट्ठे हुए थे, ये तो 200 साल से ये सिस्टम चला था, पहले भी इकट्ठे होते ना, पर ये देशभक्ति का जज्बा जगाना पड़ता है यार, एक दिन में नहीं जागता। आपको यार 25 लाख चलो ब्रिटिश नहीं करेंगे वो अटैक, पर जब आप देखते देखा इन्होंने सुभाष चंद्र की मृत्यु, अब ये बात सुनो कि देखो ये तो कहा गया और हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है। अब सुनो डेथ मिस्ट्री ये यार कि माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो इन्होंने कहा ना प्लेन क्रैश में मारे गए, ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे इन्होंने देखो क्या क्या लॉजिक दिए, इन्होंने कहा अगर 18 को प्लेन क्रैश हुआ तो 23 तारीख को खबर क्यों दी। भाई अगर तुम्हारा प्लेन क्रैश आज हुआ है 5 दिन बाद खबर तो नहीं आएगी, सुभाष चंद्र बोस कोई बहुत छोटे लीडर तो है नहीं थे, सबसे बड़े लीडर थे, खबर 5 दिन भाई। दूसरी ताइवान सरकार के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है प्लेन क्रैश का, यार कोई भी चीज़ का डॉक्यूमेंट होता है दस्तावेज होता है उसमें होता है कि हाँ भाई कब हुआ था, इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। मुखर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया, जो रिपोर्ट बताया था इंक्वायरी करने के लिए, उन्होंने कहा इस दिन कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। तो कई सारी बात लूपहोल थी। दूसरी बात, जहाँ पे हमारे सुभाष चंद्र बोस की माना जाता है अस्थि कलश रखा गया है तो उसका आज तक डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करा, या डीएनए से तो साफ पता लगता है, डीएनए झूठ नहीं बोल सकता भाई कि अगर होता तो उन्होंने आज तक डीएनए टेस्ट नहीं कराया। तो कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी में लूपहोल्स थे कि हाँ मरे। अब कहते क्या है, कई जगह मिस्ट्री रहस्य क्या है, कहते हैं कि बोस जो थे ना प्लेन क्रैश में तो कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा, इनको अंग्रेजों ने टॉर्चर करके, इंग्लिश अंग्रेजों ने जेल में मार दिया था, बहुत टॉर्चर करा जेल में, ये थ्योरी के। दूसरा कहते हैं वो जिंदा थे, वो ना प्लेन क्रैश में मरे थे ना मरे थे, वो फ्रेंच सीक्रेट सर्विस में एनरोल हो गए, उन्होंने भाग, यार ये तो देखो झूठी बात है, ये मैं थ्योरी में खुद ही डिस्कार्ड कर दूँ भाई। सुभाष चंद्र बोस यार इंडियन सिविल सर्विस से उन्होंने लात मार दी, प्रेसिडेंट की नौकरी से लात मार दी, तो क्या फ्रेंच सीक्रेट सर्विस में करेंगे, पूरे इंडिया के लिए लड़ रहे तो फ्रेंच सीक्रेट सर्विस के लिए, तो ये तो थ्योरी बेकार है। तीसरी थ्योरी कहती है वो कई साल तक गुमनामी बाबा के उसमें रहे, और ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार उन्होंने इंडिया आने की कोशिश भी करी पर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने उनको इंडिया नहीं आने दिया। खैर सुभाष चंद्र बोस फाइनली, देखिए आज तो मैं जानता हूँ जहाँ भी सुभाष चंद्र बोस होंगे वो जीवित नहीं होंगे,
है ना। पर भगवान जहाँ भी है, जो भी इन्होंने उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन करा, उनके लिए जय हिंद, उनके लिए सम्मान में हाथ जोड़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत।